प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भूटान की राजधानी थिम्पू में भव्य स्वागत। प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी पहली विदेश यात्रा। भूटान के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए करेंगे बातचीत। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोबगे ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूटान यात्रा काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने भारत भूटान मैत्रीपूर्ण संबंधों का जश्न मनाने पर भी खुशी जाहिर की और कहा कि दोनों देशों के संबंध नई ऊंचाइयों पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के उच्चतम न्यायालय की इमारत का करेंगे उद्घाटन। अपनी दो दिन की यात्रा के दौरान भूटान की संसद के संयुक्त सत्र को करेंगे संबोधित। एनसीपी नेता तारिक अनवर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भूटान दौरे का स्वागत करते हुए कहा है कि अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंधों की हम हमेशा से वकालत करते आए हैं। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कहा, रुकना ही चाहिए संघर्ष विराम का उल्लंघन। नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा तैयारियों पर जताया संतोष। श्रीनगर में की विशेष सुरक्षा समीक्षा बैठक। संसदीय मामलों के केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता के मुद्दे पर कोई फैसला लेने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की निंदा की है। भाजपा नेता बलबीर पुंज के नेतृत्व में 4 सदस्यीय एक टीम ने पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले का दौरा किया। बलबीर पुंज ने कहा कि ममता बनर्जी के शासन में पश्चिम बंगाल में हिंसा बढ़ी है। हिमाचल प्रदेश के मंडी नदी हादसे में बचाव एजेंसियों ने हैदराबाद के 17 लापता छात्रों को पता लगाने के लिए पानी के भीतर साइट स्कैन रडार का इस्तेमाल करने का किया फैसला। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला मीरपुर में हो रहा है। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का लिया निर्णय। विश्व कप फुटबॉल में अर्जेंटीना और बोस्निया हर्जेगोविना के बीच होगा मुकाबला। स्विट्जरलैंड और इक्वाडोर होंगे आमने सामने, तो फ्रांस की होंडुरस के साथ होगी भिड़ंत।